नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। अक्सर किसी भी अतिक्रमण हटाने या अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध देखा जाता है। प्रशासन को एहतियात के साथ काम करना होता है, लेकिन लखनऊ के कुकरेल इलाके में बसे अकबर नगर को लखनऊ प्रशासन ने आखिरकार बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जमींदोज कर डाला। लखनऊ के इस वीराने में अगर आपकी निगाहें अकबर नगर को ढूंढती हैं, तो आपको बता दें कि फिलहाल यहां अकबर नगर बस्ती का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। यहां आबाद रहे लोगों ने छोटे बड़े अपने आशियाने खड़े कर रखे थे, लेकिन शायद वो अनजान रहे होंगे कि उनके मकान की नींव जिस जमीन पर टिकी है उसका मालिकाना हक उनके पास था ही नहीं। अब समतल हो चुका ये इलाका लखनऊ के अकबरपुर फेज 1 और 2 का है, जहां बने सारे अवैध निर्माण नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर लखनऊ में शायद ये पहली कार्रवाई होगी। कुकरेल नदी और बंधे के बीच बने अकबर नगर कॉलोनी का अब कोई नामो निशान नहीं बचा है। मंगलवार देर रात अकबरपुर फेज 2 में बचे आखिरी निशान को भी जमींदोज कर दिया गया। 5 मंजिला 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को प्रशासन ने मंगलवार देर रात 8 बुलडोजरों को चलाकर गिरा दिया। पहले मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे पिलर्स तोड़े गए और आखिर में केवल 1 पिलर बचा और बुलडोजर से धक्का देते ही पूरी मस्जिद भरभरा कर गिर गई। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण को हटाने का काम करीब दिसंबर 2023 से शुरू हुआ और बीच में कई बार मामला कोर्ट गया। कोर्ट के आदेश के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद एक कार्रवाई राजधानी लखनऊ में फिर शुरू हुई और अब आप देख सकते हैं कि अकबर नगर फेज 1 पूरी तरीके से जमींदोज। इसमें बीच में एक मस्जिद बनी हुई थी, कल अंतिम काम जो ध्वस्तीकरण का है वो पूरा कर लिया गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दूर दूर तक अकबर नगर ध्वस्त नजर आ रहा है। ये बड़ी कार्रवाई बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई और इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर रह रहे थे उनको शांतिपूर्ण ढंग से यहां से खाली कराया गया। इस अभियान में करीब 24 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान जो बीच में आप नदी देख रहे हैं इसके पास में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी और अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने के लिए योगी सरकार तत्पर है। मस्जिदों को गिराने के दौरान सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग ही मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा को देखते हुए वहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी अतिक्रमण को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है। यहां अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। कुल 1321 स्थायी निर्माण के साथ ही करीब 1800 अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और प्राधिकरण करीब 24.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा चुका है। मस्जिद ढहाने से पहले मंगलवार को प्रशासन ने अकबर नगर में सरकारी जमीन पर बने 2 मंदिरों को भी बुलडोजर से तोड़ा, जो अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए थे। अब प्राधिकरण के बुलडोजर इस जमीन से 1500 टन से ज्यादा का मलबा हटाने में लगे हैं। तो ये दृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि शासन प्रशासन इन तमाम व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हैं, व्यवस्था बेहतर है तो शांतिपूर्ण ढंग से भी इस तरह से जो अवैध निर्माण है उनको हटाने का काम किया जा सकता है। और ये शांतिपूर्ण ढंग से तब हो पाया है जब एक तरफ जहां LDA शासन प्रशासन इनकी तरफ से भी आप देखिए कि आज भी वो कैंप लगे हुए हैं, जिन लोगों के घर इसमें टूटे हैं वो अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे, एक प्रक्रिया है वो पूरी होती है और उसके बाद उनको राजधानी लखनऊ में दुबग्गा क्षेत्र में जहां पर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिए जा रहे हैं। तो यही एक विश्वास लोगों के बीच में पैदा किया गया जिसके बाद लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू किया और उसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ अब बढ़ता हुआ तेजी के साथ नजर आ रहा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कुकरेल नदी का रिवर फ्रंट, जिसे नदी के किनारे 6 किलोमीटर तक डेवलप किया जाना है। इसीलिए अकबरपुर नगर को खाली कराने के लिए दिसंबर 2023 से अभियान चल रहा था, जिसके खिलाफ यहां के लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन अदालतों ने भी योगी की कार्रवाई को सही ठहराया।
लखनऊ का जो चिड़ियाघर है जो हजरतगंज के क्षेत्र में आता है उसको भी यहाँ पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल के नदी, जो कुकरैल नदी आप बीच में देख रहे हैं, इसके पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और सीएम के प्रयासों का ये असर अब दिख रहा है कि सीएम योगी एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस दिशा में काफी तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार की ये जो कार्रवाई है ये आप देख सकते हैं, इस वक्त ठीक बड़े क्षेत्र में अकबर नगर का जो क्षेत्र रहा है ये पूरा इलाका आप समझिए कि जब यहां से ये दृश्य दिखता था तो जब लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि इतने बड़े अवैध निर्माण को आखिर इतना शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हटाया जा सकता है। दरअसल 2012-2017 के बीच कुकरैल नदी और बंदे के बीच तमाम बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े किए गए थे। भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस इलाके में रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण हो ही नहीं सकता था। जब प्रशासन ने अकबर नगर को ध्वस्त करने की कार्रवाई की उससे पहले उन्हें वसंत कुंज में शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिफ्ट किया जा सका जो गरीबी रेखा के नीचे थे। ऐसे करीब 500 परिवारों की परेशानी है कि यहाँ रहने वाले 70-80% लोगों का रोजगार आसपास में ही था, अब दूसरी जगह बसने का मतलब घर के साथ साथ रोजी रोटी को खोना भी है। दिक्कत तो है भैया, खुद देखो कितनी दूर तो चलना पड़ता है और अपने काम धाम से जाओ काम पे, जैसे 50 रुपया सवारी रख लो एक तरफ की, और यहाँ कोई कारोबार नहीं है ना दुकानें हैं, तो हम लोग को तो दिक्कत है ही है। जब कमाई नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या? पर अपना मकान तो हो गया वहाँ, कम से कम अपना मकान तो भैया मकान तो हो गया, अगर पैसा नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, बस सबसे बड़ी यही है तकलीफ। और वहाँ हर चीज की सुविधा थी। हाँ रोजगार की तो दिक्कत बहुत ज्यादा, रोजगार तो कोई नहीं है जी। मेरा वहाँ 2 मंजिल का मकान था। यहाँ कितना बड़ा मिला? यहाँ 1 फ्लैट मिला जी, 2 एक कमरे का। तब कैसे यहाँ चल रहा है काम? बस काम चल रहा है, कैसे करें, जब वो घर टूट गया तब कहाँ रहेंगे, यहीं तो आना पड़ा था। जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे ऐसे करीब 500 परिवारों को तो बसंत कुंज पीएम आवास योजना में घर मिल गया, लेकिन जो गरीबी रेखा से ऊपर थे उन्हें किराए का मकान लेना मजबूरी हो गया है। इस सदमे में मर गई समझे, बहुत मजबूरी पे यहाँ पे आना पड़ा है हमको। यहाँ पे रोजगार न कुछ है न रोजी रोटी है, कैसे कैसे मैं चला रहा हूँ अपना परिवार में मैं जान रहा हूँ, और न कोई साधन है यहाँ पे जाने आने का। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना मकान बनवाया, अब लोन उन्हें किस आधार पर मिला ये जांच का विषय है, क्योंकि जब ये कॉलोनी ही अवैध थी तो फिर लोन कैसे मिला। करीब 8 साल पहले जमीन खरीद कर 7 करोड़ की लागत से मदरसा और स्कूल बना था, तब जमीन का रेट 6,000 रुपए था। और मजे की बात ये कि इस अवैध जमीन पर बने मकानों, स्कूलों और मदरसों के निर्माण को किसी भी विभाग ने नहीं रोका, न जानने की कोशिश की कि ये लीगल है या नहीं, और बिजली के कनेक्शन भी बांट दिए। लोगों ने रजिस्ट्री की, जिस समय रजिस्ट्री की जाती स्टैम्प ड्यूटी ले ली जाती, नहीं देखा जाता है कि वो जमीन किसकी है। नगर निगम की पूरी योजनाएं वहां पे थी, बिजली विभाग पूरे कनेक्शन दिए हुए था। अब ये अफवाह भी फैलाई गई है कि केवल मुसलमानों के मकान ही गिराए गए, लेकिन पीड़ित खुद इसे बेबुनियाद बता रहे हैं। नहीं नहीं, हिंदू भी गिराए गए, ऐसा नहीं, हिंदू भी गिराए गए, मुसलमानों भी गिराए, दुष्प्रचार खाली मुसलमान, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हिंदू भी गिराए गए। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान सभी थे सब। क्यों मुसलमान ये हिंदू नहीं गड़े क्या? हम लोगों में कभी खराबी नहीं हुई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है, और समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। अयोध्या में जिन लोगों का चौरीगढ़ के नाम पे घर लिए गए या दुकानों को हटाया गया, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, बाजार मूल्य से मुआवजा नहीं मिला, सर्किल रेट का मुआवजा मिला। और उसी तरीके से लखनऊ में जब अकबर नगर से लोगों को हटाया गया तो उनको भी उचित मुआवजा नहीं मिला, और जहां उनको आवास दिए गए हैं उसकी उनको बाकायदा पैसा देना है, जो मंथली उनको इसकी इंस्टॉलमेंट बांधी गई है। सालों से लोग वहां पर रह रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, और ऐसे लगभग 1800 से ज्यादा लोगों का घर परिवार व्यापार उजड़ गया है,
जहां सरकार रोजगार देने में विफल रही है, जहां लोगों को घर देने में विफल रही है, वहां पे सरकार ने इतने ज्यादा लोगों को हटाने का काम किया है किसी एक योजना के नाम पे, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए, सरकार आने के बाद इस तरीके से जनता को नहीं हटाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी सिरे से इनकार कर रही है। देखिए, वो वैसी और समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, कहीं न कहीं उनको सारे मामले धर्म के चश्मे से देखते हैं। अकबर नगर का प्रकरण अवैध कब्जा का प्रकरण है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने न्यायालय के आदेशों का पालन किया। सरकारी जमीन पर और कार्रवाई से योगी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दिखा तो उसे खाली कराने में सरकार जरा भी नहीं हिचकेगी। जब राजधानी में ऐसी कार्रवाई करने से योगी सरकार को गुरेज नहीं हुआ तो दूसरे जिलों में तो कार्रवाई करने के लिए बाबा का बुलडोजर बेखौफ दौड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का असर दिखा। कोर्ट ने भी माना योगी सरकार की कार्रवाई सही है, लिहाजा बड़ी संख्या में इन मकानों को ध्वस्त किया गया। जिन लोगों के घर गए यहां से, उनको राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में, जहां पर उनको दोबारा घर भी दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जिसके बाद लंबे समय से राजधानी लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में चली आ रही शांतिपूर्ण ढंग से इतनी बड़ी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।